दो ऑप्शन थे, मारना या मरना। शाहजहांपुर कचहरी परिसर में जमीन पर पड़ी ये लाश वकील भूपेंद्र गुप्ता की है, जिनको 67 वर्षीय सुरेश गुप्ता ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आखिर इस बुजुर्ग ने ऐसा किया क्यों? स्टेट बैंक से रिटायर ये बुजुर्ग खुद भी वकील है, जिन्होंने अपना जुर्म खुद ही कबूल कर लिया है और उन्हें इस बात का कोई पछतावा भी नहीं है। सुरेश गुप्ता ने वो वजह भी बताई जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। 24 मुकदमे डाल रखे, सारे मुकदमे क्रिमिनल हमारे ऊपर डाल रखे थे, मैं कहीं पर दोषी नहीं हूँ, मुकदमे बंद होने नहीं देते थे, और कोई भी मुकदमा बंद होता था तो उसका ये रिवीजन डाल देते थे, पिछला जजमेंट गलत हुआ तो वो रिस्टोर हो जाते थे। 24 हर साल एक दो मुकदमे डाल देते थे। हम खाना नहीं खा पाते थे, रात में नींद नहीं आती थी, जब जाते थे तो फिर नींद ही नहीं आती थी। हम इस वजह से परेशान थे, या तो हम सुसाइड कर लें अपने को या इसको मार दें। आप शायद ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि सुरेश गुप्ता की वकालत करने के पीछे की वजह भी भूपेंद्र गुप्ता ही थे। 2 साल पहले ही दोनों वकील बने। भूपेंद्र गुप्ता पहले टीचर थे, सुरेश गुप्ता SBI से रिटायर हुए थे। मुकदमेबाजी में वकील को पैसे देते देते दोनों थक गए, इसलिए खुद ही वकालत करने की सोची। दोनों ने वकालत की पढ़ाई की और वकील बन गए। 2019 में पहले सुरेश गुप्ता वकील बने, अगले साल 2020 में भूपेंद्र गुप्ता वकील बने। अब जान लेते हैं इस उम्र में वकालत करने की पीछे की वजह क्या है। दरअसल वकील सुरेश गुप्ता और भूपेंद्र गुप्ता के बीच का विवाद काफी पुराना है। दोनों ने एक दूसरे पर कई मुकदमे भी किए। 2 महीने पहले कोर्ट में दोनों भिड़ भी गए थे, दोनों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। तब दोनों को एसोसिएशन से निलंबित करने की चेतावनी भी दी गई थी, पर दोनों के बीच की खुन्नस काफी गहरी थी, जिसके तार करीब 11 साल पुराने जख्मों से जुड़े हुए हैं। दरअसल साल 2000 तक भूपेंद्र सुरेश गुप्ता के किराएदार थे। पुलिस की मदद से किसी तरह से भूपेंद्र से उनका मकान खाली कराया गया था। सुरेश गुप्ता के मुताबिक इसी घटना के बाद से भूपेंद्र गुप्ता ने बहुत सारे मुकदमे सुरेश पर ठोक दिए। केस लड़ने में दोनों ने खूब पैसे खर्च किए। अंत में दोनों ने खुद वकालत कर अपना केस लड़ने की ठानी, लेकिन दोनों के बीच का विवाद खत्म न हो सका, जिसके बाद दुश्मनी का अंजाम एक की मौत के बाद जाकर खत्म हुआ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।